आज हम समझने वाले हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स क्या होती है। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इस सीरीज को कैसे याद रखा जाए। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स क्या होती है। एक्चुअली मेटल्स की डिफरेंट एसिड्स के साथ, एयर के साथ और वाटर के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, और उसके बेसिस पे जो मेटल सबसे ज़्यादा या सबसे हाईली रिएक्टिव होती है उनको सबसे ऊपर रख दिया जाता है, और उनसे कम रिएक्टिव मेटल्स को उनसे नीचे रखा जाता है। तो वो जो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो सीरीज बनती है रिएक्टिविटी की, वो सीरीज ही क्या कहलाती है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स कहलाती है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फॉर एग्जांपल पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये मेटल्स की रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सवाल ये आता है कि इसका यूज क्या है। आगे जाके आप पढ़ोगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर इन मेटल्स को हमारे को दूसरे सोल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवानी पड़ती है या एसिड के साथ रिएक्शन करवानी पड़ती है। उसमें कौन सी मेटल किसको डिस्प्लेस करेगी, कौन सी मेटल किसको डिस्प्लेस नहीं करेगी, वो इस रिएक्टिविटी के साथ ही हमें पता चलता है। जो मेटल हायर ऑर्डर पे आ रही होगी या पहले आ रही होगी, वो उससे नीचे आने वाली मेटल्स को आसानी से क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब इसको याद कैसा रखा जाए, इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है। आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो आप लोगों को ये रिएक्टिविटी सीरीज भी याद हो जाएगी। शॉर्टकट ट्रिक ये है कि कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यू मिली सिल्वर ओडी प्लेटेड। अब इसको एक एक करके हम वन बाय वन समझते हैं कि कैटरीना का मतलब के यानी कि पोटेशियम, मे का मतलब एन ए यानी कि सोडियम, कार का मतलब सी ए यानी कि कैल्शियम, मांगी का मतलब एम जी यानी कि मैग्नीशियम, अल्टो का मतलब हो गया ए एल यानी कि एल्यूमिनियम, जेन का मतलब हो गया जेड एन यानी कि जिंक, फरारी का मतलब हो गया एफ ई यानी कि आयरन, फिर भी का मतलब हो गया पी बी यानी कि लेड, हाई का मतलब हो गया हाइड्रोजन यानी कि एच, क्यू का मतलब हो गया सी यू यानी कि कॉपर, और मिली का मतलब हो गया एच जी यानी कि मर्क्यूरी, सिल्वर का मतलब ए जी यानी कि सिल्वर, ओडी का मतलब हो गया ए यू यानी कि गोल्ड, और प्लेटेड का मतलब हो गया पी टी यानी कि प्लेटिनम। मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूँ, आप किस तरीके से एक साथ याद रख सकते हो। कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ओडी प्लेटेड। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। इसके अलावा इससे एक और सवाल पूछा जाता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है। हाइड्रोजन एक्चुअली नॉन मेटल होता है, उसके बावजूद इसको मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज में क्यों जगह दी गई है, ये सवाल आता है। तो इसका रीजन क्या है, तो यहाँ पे मैंने सवाल भी लिख दिया, क्वेश्चन भी लिख दिया है, व्हाई हाइड्रोजन ए नॉन मेटल इज प्लेस्ड इन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। इसका रीजन ये है, जनरली मेटल्स क्या होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन्स बना लेती है। हाइड्रोजन भी क्या करता है, आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके एच प्लस आयन यानी कि पॉजिटिव आयन बना लेता है, जो कि सिमिलरली लाइक मेटल्स के जैसे ही है। इस वजह से हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज में जगह दी गई है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।